उस्तादों के उस्ताद मेजर गौरव आर्या जी की ठगलाई सबसे विचित्र है। जहां देखो जिधर देखे जो मिले जैसे मिले ऐसा जवाब देते कि सामने वाले की बोलते ही बंद कर देते। तो हम आज मिक्स मैच रिएक्शन देखने वाले मेजर गौरव आर्या जी की ठगलाई पे। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, रिएक्टर उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो देखते हैं इस पे मिक्स रिएक्शन। अगर आपको मिक्स रिएक्शन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं दो पॉइंट देना चाहता हूँ, ये सब लोग बहुत चिल्ला रहे हैं। अर्णव, एक तो मेरे भाई है यहाँ पे, उन्होंने बोला यासीन मलिक को कि यासीन मलिक, एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज प्लीज भाई साहब, विद योर परमिशन सर, विद योर परमिशन, इन्होंने ये बोला कि यासीन मलिक कुत्ता है, तो मैं इस स्टेटमेंट को कंडेम करता हूँ। देखिए कुत्ता वफादार होता है, यासीन मलिक लकड़ बग्गा है, तो उसको कुत्ता मालूम, कुत्ता बड़ा प्यारा जानवर, वफादार जानवर होता है, यासीन मलिक लकड़ बग्गा है। जो आप दूसरे को क्या सही आंसर है, दूसरे को बोलते हो चंडीगढ़ में बैठे हो, मेरे भाई एक बात बता दो, आप कब आए हो कश्मीर में? भट्टी साहब आप ये बता दो, आप कब आए हो कश्मीर में? आप कब आए कश्मीर में भट्टी साहब? आप कितने दिन पहले आए? आप कितने दिन पहले आए हैं? नहीं, कितने दिन पहले आए? मैं दिल्ली रहता हूँ, कश्मीर क्या, कश्मीर नहीं, आप नहीं, नहीं, ये शायरों वाली बात मत करिए। आप कश्मीर में कब आए? आप कब आए ये बताइए, पहले कश्मीर और शायद इनके बीच की कोई टक्कर है और डिबेट चल रही है। जम्मू का रहने वाला है भट्टी, है ये जम्मू का है, सबके सामने झूठ बोल रहा है। कश्मीर कश्मीर इज नॉट कश्मीर, रजौरी का रहने वाला क्या कश्मीर कश्मीर? आप कहीं के भी रहने वाले हो, आप कहीं के भी रहने वाले हो, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमें कहते हैं, हमें कहते हैं क्यों दूसरे को बोल रहे हो कि तुम चंडीगढ़ में बैठे हो, कश्मीर टूरिस्ट बन के चार दिन के लिए कश्मीर में आ गए। भट्टी सुनो यार, मैंने तुमको पहले बोला था भट्टी, तुम्हारे जब तुम ड्राइवर में घूम रहे थे ना, जब तुम ड्राइवर में घूम रहे थे ना, तब मैं हथियार पकड़ के जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी कर रहा था। ये पॉलिटिशियंस के साथ ना सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है, ये तकरीर करना शुरू। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी आपने सवाल पूछा, या तो ये कहिए कि मेरा सवाल एंड ही नहीं होता, अंत ही नहीं होता, मैं पूछता ही जाऊंगा। सवाल पूछ लिया, जवाब लीजिए, बाकी मैं और पैनलिस पे जाऊँ। मेजर आगे बोलिए। सुनिए एक मिनट सर, हिमायत नहीं, एक मिनट रुक जाइए, एक एक जवाब तो सुन लो। आपने आपने सुनिए मेरी बात, आप बोलिए बोलिए, मुझे आ रहा है, नहीं आप इनका वॉल्यूम डाउन करिए, मैं कैसे बोलूं? वॉल्यूम डाउन है, आप अपना जवाब, आप इनका वॉल्यूम जीरो कर दीजिए, मुझे आ रहा है, और आप इनका फ्रेम काला कर दीजिए। जवाब, हाँ बिल्कुल। वी डू नॉट नीड सॉफ्ट पावर टू डील विद पाकिस्तान, वी नीड हार्ड पावर टू डील विद पाकिस्तान। नाउ एज फार एज सलमान खान इज कंसर्न्ड, दिस पर्सन इज ब्रोकन द लॉ टाइम एंड अगेन, एंड ही इज नेवर बीन पनिश्ड। दिस इज व्हाई ही हैज द करेज टू ओपन हिज माउथ एंड स्पीक नॉनसेंस। Had the government put him in jail, he would have been in his senses and not spoken all this on national TV. यार ये कोई स्टेटमेंट ऐसे दिया था मेरे ख्याल से पाकिस्तान आज नॉन, यार वाकई में लोग तो हम लोग देखे आवाम से लोग हम लोग। Kamar Cheema, listen to me, I'll tell you something very interesting in case you want to know something very interesting. अगर आप जानना चाहते हैं तो, if you want to know, in Arnab show at 7 o'clock you were asking me for, in Arnab show at 7 o'clock today you were asking me for my ACR. ACR का मतलब होता है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, सी का मतलब कॉन्फिडेंशियल, चीमा नहीं है सी का मतलब, ची का मतलब चीमा नहीं है, सी का मतलब कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ओनली आर्मी हेडक्वार्टर्स हैज, इट्स नॉट द पाकिस्तान आर्मी वेयर यू पे मनी एंड गेट प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ अ मेजर और अ कर्नल। आपके यहाँ तो सूबेदार को पैसा देके जवान छुट्टी के लिए जाते हैं। क्या सैवेज जवाब है यार, Kamar, everybody is fighting COVID. You are fighting Gaurav Arya. Why? I know your question. Why? I know your question. No, you don't know my question. The whole world is fighting COVID. You are fighting Gaurav Arya. आपका focus क्या है? Praful. We are not fighting Gaurav Arya. We are just trying to make his profile go boom. अबे साले. Yo. We love him. That's why. एक मैं बात बताऊं, सुनो मेरी बात, सुनो मेजर, मेजर का नाम मत लो, इतना घबराओ मत, ठंडे पसीने आ रहे हैं माथे पे, चीमा और नाक के अंदर उंगली मत डालो नेशनल टीवी पे। ये कैसे बात नहीं बता सकते।
Hey, y'all, come look at this. मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाता हूँ. सर, जनरल जीडी बख्शी सर, मेरा आपसे सवाल है कि कश्मीर कश्मीर करता है पाकिस्तान इतना, मुझे लगता है पूरा का पूरा गेम सर रियल एस्टेट का है. इन्होंने क्या करना है अगर इनको ख्वाबों में कभी कश्मीर मिल गया सर, सपने में कश्मीर मिल गया तो 250 गज के प्लॉट काट के बेच देंगे. एक सवाल पूछना चाहता हूँ. आपने बोला कि भाई गौरव वारिया को परमवीर चक्र नहीं मिला, परमवीर चक्र सिर्फ 21 लोगों को मिला है, बाकी भारतीय सेना बुझने लग गया. परमवीर चक्र सिर्फ 21 लोगों को मिला है, बाकी लोग गिर नहीं है. अरे खुद नहीं पता होता, सुनो सुनो, मैं कुछ नहीं पता है, मेरी बात सुनो. गलत सवाल है, पूछा करो. राहुल गांधी ने ये क्यों बोला कि जमीन हड़पिए, ये बताओ, बाकी सब चीजें छोड़ो. राहुल गांधी ने अरुण इनसे ये पूछा जाए, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जमीन हड़प ली और वहां पे भारतीय सेना खड़ी है. राहुल गांधी का क्या कहने का मतलब है कि इंडियन आर्मी खड़ी और जमीन हड़प ली? क्या ये कह रहे हैं राहुल गांधी की इंडियन आर्मी जमीन हड़प ली? क्योंकि वहां पे बॉर्डर पर नरेंद्र मोदी नहीं है. मोदी जी ने क्या कहा? मोदी बॉर्डर पे है नहीं भाई, वहां पे तो इंडियन आर्मी है. आप ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी का होता तो जमीन हड़प ली? शर्म करिए, अरे जवाब दो मेरी बात. बोल ही नहीं रहा है उसके आगे. भाई शहीद हुए, अब क्यों हुए शहीद? वो क्यों हुए शहीद? हर क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसका आंसर दो यार. सोच रहा हूँ कि राहुल बाबा टीवी देख रहा होगा. अरे शाबाश, भोपड़ी पुचकारते हुए एक टिकट ऐसे फेंक देगा कि जाओ चुनाव लड़ो. अरे क्या फायदा ऐसे टिकट का तुम्हें? तो फिर हारना है, फिर हारना है, फिर हारना है. अब बात है, इसे कहते हैं सॉलिड जवाब देना, मतलब पूरी बेबाकी से जवाब देते हैं. हाजिर जवाब भी जिसे कहा जाता है कि मेरा मन है जो मर्जी मैं जवाब दूंगा और सामने वाले की बोलती बंद कर दूंगा. बिल्कुल कोई खौफ नहीं किसी चीज का कि क्या सामने वाला बोलेगा. किधर टीवी डिबेट हो, चाहे स्टेज हो, चाहे कोई सा भी मंच हो, गौरव आर्या जी का अपना ही जीने का लाइफ स्टाइल है और सभी उनकी बातों को सुन के एंजॉय करते हैं. आप पास की मिस्टर सुप्रेशन देने मजा आया, जो वीडियो लाइक चुके ना, चैनल सब्सक्राइब करो. तो मिलते दूसरी वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग.